हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। एंड रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज और करंट जनरेशन के मॉडर्न ग्रेट विराट कोहली के बारे में। और विराट कोहली को जैसा आपको पता है कि 16 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए इंटरनेशनल करियर में, एंड उनको सब बधाइयां भी दे रहे हैं और उनके बारे में सारे लोग बता भी रहे हैं कि विराट कोहली की जर्नी कैसी रही। मैं आज आपको विराट कोहली की जर्नी नहीं बताऊंगा, बल्कि एक छोटा सा जो टॉपिक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करूंगा। और वो टॉपिक ये है जो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, इनॉर्मस टाइम सवाल पूछते हैं। जो लोग विराट कोहली को मिले नहीं हैं कभी, जनरली वो ये सवाल पूछते हैं। जिन्होंने विराट कोहली को खेलते हुए नहीं देखा है, वो ये ग्राउंड में खेलते हुए नहीं देखा है, वो ये लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि क्या विराट कोहली एरोगेंट है, क्या विराट कोहली का एटीट्यूड खराब है, क्या विराट कोहली एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान है, खिलाड़ी नहीं इंसान है। तो आज मैं इन सब सवालों का जवाब आपको दूंगा कि विराट कोहली की पर्सनैलिटी एक्चुअल में कैसी है, क्या विराट कोहली वाकई में एटीट्यूड वाले खिलाड़ी हैं, क्या विराट कोहली एरोगेंट हैं, क्या विराट कोहली फैन से मिलना पसंद नहीं करते, क्या विराट कोहली हमेशा गुस्से के मूड में रहते हैं। आज इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। देखिए, करियर के बारे में आप सब जानते हैं, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं एंड आपको डिफरेंट स्टैट्स विराट कोहली के मिल जाएंगे कि वो किस जगह पर खड़े हैं। शतकों का अंबार लगा चुके हैं, रनों का अंबार लगा चुके हैं, चेज मास्टर हैं, रन मशीन हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने 76 रनों की पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच वो बने विराट कोहली। एंड विराट कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप उनकी कैप्टनसी में भारत ने जीता, फिर 2011 में एज ए प्लेयर उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता, और 2024 में एज ए प्लेयर T20 वर्ल्ड कप, सीनियर प्लेयर T20 वर्ल्ड कप भी विराट कोहली ने जीता। विराट कोहली के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब विराट कोहली शुरू जब उन्होंने क्रिकेट अपनी स्टार्ट की थी, 2008 का उनका डेब्यू था, बड़े चबी से वो होते थे, और उसके बाद एक सीरीज उन्होंने खेली श्रीलंका में जब खेली, उसके बाद फिर बाहर भी हुए। विराट कोहली खुद ये मानते हैं कि उनका फोकस जो था कि वो सोचते थे चलो IPL खेल लूंगा, बट आफ्टर दैट दोस्तों जो उन्होंने अपना फिटनेस का जो एक रिजीम बनाया, एक फिटनेस का जो उन्होंने डेकोरम बनाया, नॉट ओनली फिटनेस बट ही वॉज वेरी फोकस्ड कि उनको क्या करना है, वो उनका जो फोकस था, वो जो उनकी फिटनेस थी, उनको बहुत आगे लेकर चली गई। और उसके बाद विराट कोहली ने कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम में भी अगर कोई फिटनेस का कल्चर लेकर आया तो वो विराट कोहली था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फिटनेस नहीं था, बट पूरी टीम के ऊपर जिसने रबॉन की हो जिस चीज़ ने, और पूरी टीम को समझाया गया हो कि भाई यो टेस्ट होगा, वो पास करना पड़ेगा, फिटनेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होनी चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि विराट कोहली बेशक कैप्टन नहीं है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मैदान में वो दिखा रहे होते हैं, अपनी चिल्ला रहे होते हैं, यू नो पंच कर रहे होते हैं, और एक एनर्जेटिक एटमोसफेयर बनाते हैं मतलब वो वहाँ पर विराट कोहली। अब जो बेसिक सवाल है कि हाँ क्या विराट कोहली एरोगेंट है, देखो विराट कोहली कोई एरोगेंट नहीं है, विराट कोहली क्या एग्रेसिव है, हाँ जी एग्रेसिव विराट कोहली बहुत ज़्यादा है मैदान के अंदर, मैदान के बाहर वो ऐसा नहीं है। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं आपको उसके इंसिडेंट्स भी बताता हूँ। मैदान के अंदर जो आप विराट कोहली को चीखते चिल्लाते हुए देखते हैं, मैदान के बाहर विराट कोहली बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मैदान के बाहर वो एक आम इंसान है, एक कह सकते हैं कि जिसके जो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है वो वही है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह वो वहाँ पे बिहेव करते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा नहीं रहता कि किसी को कुछ एग्रेसिव बोल दें या किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दें या एरोगेंसी अपनी दिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ मैदान के अंदर, और ये उनका खेल के प्रति जुनून है विराट कोहली का। वो अपने आप को पंप अप ऐसे करते हैं, अपने आप को चार्ज इस तरीके से करते हैं, अपने अंदर एनर्जी इस तरीके से लाते हैं। अभी मैं आपको रिसेंट इंसिडेंट्स बताता हूँ कि जहाँ पे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम के पास खड़े थे, श्रीलंका का ये इंसिडेंट्स है, और वहाँ पर दोनों के दोनों खिलाड़ी खड़े थे। और मैं जब वहाँ पे आया, मैंने सोचा कि दोनों की पिक्चर कैप्चर करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जैसे ही मैंने उनका वीडियो बनाया तो रोहित शर्मा ने मुझे इशारा किया कि नहीं आप वीडियो मत बनाइए, क्योंकि गलती वहाँ पे मेरी भी थी कि मैं ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल बगल में खड़ा था और मोबाइल से ड्रेसिंग रूम के अंदर का जो शॉट था वो भी आ रहा था, सीन जो था वो आ रहा था। तो रोहित शर्मा ने जैसे ही मुझे बोला, उसके बाद विराट कोहली ने मुझे कहा कि हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको रिकॉर्ड मत करिए, ये विराट कोहली ने मुझे कहा। हो सकता था कि वो कहते कि भैया बंद कर दो इसको, या अगर एरोगेंट होते तो बोल देते, कुछ भी बोल देते, बट उन्होंने कहा कि हम कुछ बात कर रहे हैं, अभी जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप प्लीज़ रिकॉर्ड मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि आप यहाँ से चले जाओ या कुछ मत करो, ये वो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं किया, नॉर्मली एक जनरली बोला। ये तो चलो हमें बोल सकते हैं कि चलो हम मीडिया वाले, इसलिए शायद उन्होंने नहीं बोला, हमें रोज़ देख रहे हैं, हमको छाप देंगे, ये हो सकती है उनकी बात। लेकिन मैंने कई बार ऐसा इंसिडेंट्स देखा कि विराट कोहली को जब मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली जब हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीती थी, वो जब सीरीज शुरू हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट वो सीरीज थी और इंडिया की बहुत सारी स्टेक्स जो थे वो दाव पे लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट स्टेक पर थी। तो उस समय क्या हुआ कि विराट कोहली जब प्रैक्टिस करने आए, पहला भारत का प्रैक्टिस सेशन था और बहुत सारे वहाँ पे NRIs बच्चे भी खड़े थे, लोग भी वहाँ पे खड़े थे, जस्ट
फॉर ऑटोग्राफ कि विराट कोहली का उनको ऑटोग्राफ मिल जाए, और मैंने देखा कि विराट कोहली आए। विराट कोहली ने 20 से 25 मिनट तक ऑटोग्राफ दिया होगा सारे बच्चों को, सारी क्राउड को वहां पर। उसके बाद विराट कोहली ने सबसे कहा कि अब मैं बैटिंग करने जा रहा हूं, अब मैं बैटिंग प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, अब मैंने सबको ऑटोग्राफ दे दिया, सबके साथ सेल्फी भी मैंने खिंचवा ली, अब आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें और थोड़ी सी बातें भी यहां पे कम करें, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर विराट कोहली वहां पे प्रैक्टिस करने लग गया। तो ये चीज़ है। एक वीडियो आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे, बड़ा पॉपुलर वीडियो है, वो फेमस वीडियो है, उसमें टीम इंडिया जो है बस के अंदर जा रही है और कुछ बच्चे उधर खड़े हो रखे हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए, और विराट कोहली जो है वो आते हैं, सारे खिलाड़ी, उसमें एम एस धोनी भी थे, सारे खिलाड़ी बस के अंदर चले जाते हैं, कोई उनकी तरफ देखता नहीं है, विराट कोहली आते हैं और सबको ऑटोग्राफ देते हैं और फिर वो वहां पे जाते हैं। एक इंसिडेंस, एक वीडियो बड़ा वायरल है मुंबई का, जहां पे विराट कोहली मुंबई एयरपोर्ट पे, सॉरी वो अपार्टमेंट की कोई पार्किंग का कोई विजुअल था, उसमें आते हैं और वो कुछ जो बच्चे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऑटोग्राफ चाहिए, तो विराट कोहली कहते हैं मैं 2 दिन के बाद दूंगा। 2 दिन के बाद विराट कोहली आते हैं, फिर वो लोग मिलते हैं और विराट कोहली से कहते हैं कि आपने बोला था, तो फिर विराट कोहली सबके साथ सेल्फी लेते हैं और सबको ऑटोग्राफ देते हैं। मैं भी जितनी बार विराट कोहली से मिला हूं, जितने एग्रेसिव वो मैदान के अंदर दिखाई देते हैं, उसका 1% भी एग्रेशन उनके अंदर मैदान के बाहर नहीं दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो नजर आते हैं वहां पर। और मैं आपको मेलबर्न की बात बताता हूँ। मेलबर्न में जब मैं उनसे मिला था, मुझे ऑटोग्राफ लेना था उनके बैट का ऑटोग्राफ लेना था, तो मैं बैट उनको दिया और एक मैंने उनको बॉल दी ऑटोग्राफ के लिए, तो बॉल पर ऑटोग्राफ हो नहीं रहा था, तो विराट कोहली ने कहा कि आप एक और बैट ले आइए, मैं उसमें आपको ऑटोग्राफ दूंगा। और मेलबर्न में -1 में ड्रेसिंग रूम और प्रेस बॉक्स है, और ग्राउंड फ्लोर पे जाकर वहाँ पे आपको बैट मिलते हैं। तो आप सोचो कि मैं गया वहाँ से और मैं बैट लेकर आया, और 10 मिनट तक विराट कोहली वहाँ पे इंतजार करते रहे, और उस समय वो कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, वो चाहते तो वहाँ से उनकी बस उनकी व्हीकल आ चुका था, कैब आ चुकी थी, वो चले जाते, लेकिन वो नहीं गए, वो वेट किया उन्होंने, और 10 मिनट के बाद उन्होंने वहाँ पे बैट पे साइन किया और फिर वो बैट उन्होंने मुझे दिया। तो ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बता रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, वैसे भी आपकी विराट कोहली की पर्सनैलिटी बता रहा हूँ कि जब भी मिलते हैं सबको ऑटोग्राफ देते हैं, सबसे अच्छी तरीके से बात करते हैं। क्रिकेट के मैदान में उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, वहाँ पे एग्रेशन भी नजर आता है, वहाँ पे विराट कोहली जुनूनी तौर पर नजर आते हैं, क्योंकि खेल के प्रति उनका बहुत बड़ा जुनून है, इसीलिए चेज मास्टर भी बने, इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन के ऊपर हावी हो जाते हैं, और जो उनकी चलने की वॉक आपने देखी होगी, एक डिफरेंट वॉक के साथ वो एंट्री करते हैं, ऐसी वॉक लोग बोलते हैं कि विव रिचर्ड्स की ऐसी वॉक थी कि डोमिनेट करना है मुझे, बॉलर को डोमिनेट करना है, बॉल को खेलना है मुझे, बॉलर कितनी भी बड़ी शख्सियत हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में आए थे लसित मलिंगा को, जो उन्होंने शॉट्स खेले थे, याद होगा आपको सक्सेसफुल चेज ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का, और मुझे याद है उसके बाद में विराट कोहली के जब घर गया था मीना बाग में उनका घर हुआ करता था, मैंने विराट कोहली से सवाल पूछा था कि आप मलिंगा को बड़ा आपने तो बड़े वैसे मार दिया, तो विराट कोहली का जवाब यही था उस समय कि भैया जब आपको बड़ा बनना है तो आपके बड़े बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट आपको रन स्कोर करने पड़ेंगे, ये विराट कोहली का जवाब था, और यही विराट कोहली का एटीट्यूड भी है गाइस। तो भाई 16 साल कंप्लीट हो गए हैं विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में, हम उम्मीद करते हैं कि 20 साल भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कवर करें और कंप्लीट करें इनफैक्ट, और 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप मुझे लगता है विराट कोहली डेफिनेटली खेल सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।